10th स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू, साइंस टू रिड्यूस, क्या क्या ये साल के लिए ओमिट किया है यानी रिड्यूस किया है फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो इसका बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, किया है कि सर ये प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक में मार्किंग के साथ बताओ कि क्या क्या रिड्यूस है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आई गॉट अ PDF फ्रॉम सम स्टूडेंट, स्कूल टीचर ने ये PDF बनाया फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट, थैंक्स टू हर। बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक में मार्क करके टीचर ने दिया है PDF फॉर्मेट में कि जो जो ओमिट है, जो जो नहीं, मतलब ये साल के रिड्यूस किया गया है, या सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं आप, सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है, ठीक है। सो थैंक्स टू हर। और मैं चाहता था ये सारे बच्चों से शेयर करूं, बट PDF सेंड करना तो मैं WhatsApp पे कर सकता हूं, ठीक है। और मेरे जो YouTube स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर करना, PDF शेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने सोचा ये PDF को स्क्रीनशॉट में, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसका वीडियो बनाकर शेयर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मार्किंग। सो पेज नंबर 2 तक तो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। ऑन पेज नंबर 3, ये पेज नंबर थ्री है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो एवोल्यूशन की थियोरी है, ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड तक ओमिट है, रिड्यूस किया है। फिर पीक इनटू हिस्ट्री भी ओमिट किया है, ठीक है। तो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक ओपन करके मार्क करते जाओ, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ ऑन पेज नंबर फोर पे कैन यू टेल ओमिट किया है, और यूज़ ऑफ ICT भी रिड्यूस किया है, ठीक है। फिर पेज नंबर 5, यूज़ ऑफ ICT ओमिटेड है, ठीक है, पेज नंबर 5। नेक्स्ट पेज नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, पेज नंबर 6 पर, ठीक है, जो रेड बॉक्स है आप देख सकते हो उतना निकाल दिया गया है। पेज नंबर 7 पे कुछ भी ओमिटेड नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। पेज नंबर 8 पे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं है, और दूसरा बैप्टिस्ट लमार्क का, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लमार्क का इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, और इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड इसको भी रिमूव किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर ये जो चार्ट है, मतलब ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग फ्रॉम मंकी का, उसको रिड्यूस किया गया है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ रहा है। पेज नंबर 10 पे कुछ भी कैंसल नहीं है, पेज नंबर 11 पे भी कुछ भी कैंसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 12, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हुआ, या पेज नंबर 12 एंडिंग पार्ट, यूज योर ब्रेन और कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 12। पेज नंबर 13 ऑब्जर्व, फिर पेज नंबर 13 पे कैन यू टेल भी है, उसको निकाल दिया गया है, रिड्यूस किया गया है, मतलब कैंसिल किया गया है। पेज नंबर 14 ATP के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑन पेज नंबर 14। ऑलराइट, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट में है, ठीक है। पेज नंबर 15 पे आप देख सकते हो, पेज नंबर 15 पे जो येलो बॉक्स है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ठीक है, पेज नंबर 15। पेज नंबर 16 पे कैन यू टेल ओमिट किया गया है। सो पेज नंबर 16 पर ऑलवेज रिमेंबर और कैन यू टेल। पेज नंबर 17 पर यूज़ योर ब्रेन, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, कैन यू टेल, ठीक है। आप वीडियो को स्लो प्ले करके आप डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हो, या वीडियो को पॉज एंड प्ले कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, मार्क करो, फिर वीडियो प्ले करो। तो आपको पूरा ये जो टीचर ने बहुत मेहनत करके जो PDF बनाया है, थैंक्स टू हर, बहुत अच्छा, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट वेलफेयर, ठीक है, सारे बच्चों की भलाई के लिए। सो यू कैन मार्क इट। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर कैन यू रिकॉल वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 18 पे सिर्फ क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 पे, बाकी पेज नंबर 18 पूरा है, पेज नंबर 19 भी पूरा है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है। पेज नंबर 20 पर
20 पर जो एक्सपेरिमेंट है ट्राई दिस पूरा ओमिटेड है, ठीक है। उसके बाद यूज़ योर ब्रेन भी पूरा ओमिटेड है, यूज़ ICT, यूज़ ऑफ ICT बुक्स आर माई फ्रेंड, पेज नंबर 20 पे ये सब कुछ ओमिट किया है, ठीक है। पेज नंबर 20, नेक्स्ट इज़ ऑन पेज नंबर 21, सारे क्वेश्चंस है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है पेज नंबर 21। पेज नंबर 22, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इसका कैन यू रिकॉल ओमिटेड है। पेज नंबर 23, सब कुछ है, कुछ भी ओमिट नहीं किया है। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे वेन एवर देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन स्पायरोगायरा, ठीक है। तो एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इट फिलामेंट्स ग्रो अप, एग्जाम्पल है जो स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल दिया है फ्रेगमेंटेशन में, उसको निकाल दिया गया है, उसको रिड्यूस किया गया, मतलब वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। और यू कैन टेक इट फॉर सेल्फ स्टडी, उधर लिखा है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मतलब ये साल एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट ट्राई दिस, ट्राई दिस दिया है स्पोर फॉर्मेशन, जो आप घर पे ट्राई करने के लिए कहा गया है कि पीस ऑफ ब्रेड लो और उसको, या भाकरी लो फ्रिज में रख दो एक्सेट्रा, जो भी है। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर ट्राई दिस पूरा ओमिटेड है, ट्राई दिस, ट्राई दिस मतलब पॉइंट नंबर 5, स्पोर फॉर्मेशन पूरा। नेक्स्ट पेज नंबर 26, लेट्स थिंक, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 और 2। पेज नंबर 27 पे देखो, जहाँ जहाँ पैराग्राफ कम किया है ना वहाँ पे मार्किंग की हुई है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से, जैसे मैनी फ्लावर से स्टार्ट हो रहा है पोलार न्यूक्लियाई तक, मैनी फ्लावर से पोलार न्यूक्लियाई तक ओमिटेड है पेज नंबर 27, ठीक है। फिर पेज नंबर 27 पे डू यू नो जो बॉक्स में है, यूज़ ऑफ ICT जो येलो बॉक्स में है। पेज नंबर 28 पे ट्राई दिस, नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे भी सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट पेज नंबर 30 पर डू यू नो मेल और फीमेल क्रोमोसोम एक्स वाई, पेज नंबर 30 पर फिर डेवलपमेंट एंड बर्थ भी पूरा रिड्यूस किया गया है पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 31 कैन यू टेल, जो दो क्वेश्चन है कैन यू टेल के रिड्यूस्ड है, ठीक है। पेज नंबर 32 पूरा है, नथिंग इज़ ओमिटेड ऑन पेज नंबर 32। पेज नंबर 33 इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, जो येलो बॉक्स है, ठीक है। पेज नंबर 34 फर्स्ट पैराग्राफ और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो बॉक्स में डू यू नो रिड्यूस्ड है, ठीक है। पेज नंबर 35 सब कुछ है पेज नंबर 35 पे, कुछ भी कम नहीं किया है, ठीक है। पेज नंबर 36 फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो गया, पेज नंबर 36 से फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो कैन यू रिकॉल के जो चार क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, थिंक एंड आंसर भी नहीं करना है, थिंक एंड आंसर। तो इकोसिस्टम और रिवाइव रिव्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पेज नंबर 36। पेज नंबर 37 जो इकोसिस्टम का चार्ट है, इकोसिस्टम का जो चार्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब कैंसिल किया है, ठीक है। पेज नंबर 38 कैन यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल पे जो क्वेश्चन है एनवायरमेंटल बैलेंस एक्सेट्रा, ठीक है, कैन यू रिकॉल, सेम पेज नंबर 38 पे ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन वाला बॉक्स। पेज नंबर 39 कंप्लीट द चार्ट, पूरा चार्ट के साथ ओमिट है कंप्लीट द चार्ट, पेज नंबर 39। पेज नंबर 40 डू यू नो का येलो बॉक्स रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। फिर पेज नंबर, सेम पेज नंबर 40 पर ये येलो बॉक्स अ पीक इनटू हिस्ट्री, ये जो डार्क येलोइश बॉक्स है अ पीक इनटू हिस्ट्री। और पेज नंबर 40 पे कंप्लीट द चार्ट भी ओमिट है, ठीक है। पेज नंबर 41 डू यू नो येलो बॉक्स लेट्स डिस्कस इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, ये सारे बॉक्सेज ओमिट है पेज नंबर 41 पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 42 सिर्फ एक बॉक्स ओमिट है जो लास्ट वाला बॉक्स है,
नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर ये ब्लू बॉक्स, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 43। नेक्स्ट पेज नंबर 44, थिंक एंड आंसर ओमिटेड है, सिर्फ थिंक एंड आंसर है ऊपर का, ये चार्ट है माय रोल इन एनवायरमेंट, ये चार्ट ओमिटेड नहीं है, ये है ठीक है। देखो कहीं कहीं मार्किंग में टीचर ने जो मार्क किया थोड़ा आगे तक हो गया है, तो वो थोड़ा केयर करो ठीक है। पेज नंबर 44 पे सिर्फ ये थिंक एंड आंसर। पेज नंबर 45, रिकॉल अ लिटिल, कलेक्ट द नेम ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड, रिकॉल अ लिटिल ठीक है। और येलो बॉक्स में डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर एंड थिंक, पेज नंबर 45, डू यू नो बी, ऑलवेज रिमेंबर भी और थिंक वाला भी ठीक है। पेज नंबर 46, एक क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट के लिए था उसको ओमिट कर दिया गया, प्रोजेक्ट, पेज नंबर 46। पेज नंबर 47, कैन यू रिकॉल कि जो थ्री क्वेश्चन है, फर्स्ट थ्री क्वेश्चन, फिर ओमिटेड है मेक अ टेबल, मेक टेबल भी ओमिट किया गया ठीक है, पेज नंबर 47। नेक्स्ट इज पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पूरा है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 आप देख सकते हो, इसमें जो स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट है, स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट का बाद से जो पैराग्राफ है वो ओमिटेड है ठीक है। इफ़ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन यू विल ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ टावर है वो, और यूज़ ऑफ ICT, पेज नंबर 49। पेज नंबर 50, डू यू नो फिर से ओमिट है। पेज नंबर 50 ठीक है, पेज नंबर 50 में येलो बॉक्स, डू यू नो। पेज नंबर 51, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, येलो बॉक्स ठीक है। और लास्ट येलो बॉक्स कंपेयर, पेज नंबर 51। नेक्स्ट इज पेज नंबर 52, ब्लू बॉक्स ठीक है, सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट एंड देयर कैपेसिटी ओमिटेड है। नेक्स्ट पेज नंबर 53, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, पूरा ओमिट किया हुआ है ठीक है। और ये जो येलो बॉक्स है, टूवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सो पेज नंबर 53 पे दोनों ओमिट है, पेज नंबर 53, हाँ 52 के बाद 53। नेक्स्ट इज पेज नंबर 54, यूज़ योर ब्रेन, पेज नंबर 55, डू यू नो, पेज नंबर 55 पे डू यू नो। पेज नंबर 56, विंड टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी और गेट इन्फॉर्मेशन, ये दोनों, ये डायग्राम और ये गिव इन्फॉर्मेशन ओमिटेड है ठीक है, 56। पेज नंबर 57, सोलार सेल का जो पूरा पेज है, पूरा पेज ओमिट है, पेज नंबर 57 कम्प्लीटली ओमिट है, सब कुछ ओमिट है पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 58, फाइंड आउट, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, येलो बॉक्स, डू यू नो, पेज नंबर 59 पे येलो बॉक्स, डू यू नो। पेज नंबर 60 पे कुछ ओमिट नहीं है, सब कुछ है, सारे क्वेश्चन है ठीक है। पेज नंबर 61 से 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कैन यू रिकॉल फर्स्ट ओमिट है, कैन यू रिकॉल जो क्वेश्चन है, विच क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पेज नंबर 61, बाकी तो सब कुछ है। पेज नंबर 62, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन ओमिट है ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन भी ओमिट किया है ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 62। नेक्स्ट पेज नंबर 63, लास्ट दो पैराग्राफ चार्ट के बाद, दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ, वो पूरा एक्सेट्रा तक ठीक है। पेज नंबर 64, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पैरा ठीक है। पेज नंबर 65, ऑब्जर्व द फिगर, ऑब्जर्व द फिगर ठीक है, वो पूरा ओमिट है, पेज नंबर 65, ऑब्जर्व द फिगर और वो फिलअप वो ओमिट है ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर, अच्छा सेम पेज पे बॉडी सिमेट्री भी ओमिटेड है, 65 का बॉडी सिमेट्री। पेज नंबर 66, बॉडी कैविटी, पूरा ओमिट है ठीक है, बॉडी कैविटी। पेज नंबर 67,
कुछ भी ओमिट नहीं है, पूरा है। पेज नंबर 68, डू यू नो, और येलो बॉक्स सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन। पेज नंबर 69, फिर येलो बॉक्स, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड वाला। और उसमें ये भी है पेज नंबर 69 पे, गेट इन्फॉर्मेशन, अर्थवर्म इज़ अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, हाउ मैनी, हाउ मे बी लीज यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, ये दोनों क्वेश्चन। पेज नंबर 69 हो गया। पेज नंबर 70, लेट्स थिंक, येलो बॉक्स, लेट्स थिंक, येलो बॉक्स, ठीक है। और पेज नंबर 17 पे सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और बुक्स आर माई फ्रेंड, येलो और ये जो स्काई ब्लू और क्या है, ब्लू ब्लू ग्रीन मिक्स कलर में जो भी है, नेक्स्ट ग्रेनाइट कलर था, सॉरी। नेक्स्ट पेज नंबर 71 पर, डू यू नो ओमिटेड है, जो पिंक बॉक्स है। पेज नंबर 72, कुछ भी ओमिट नहीं है, पूरा पेज है। पेज नंबर 73 पे भी कुछ नहीं ओमिट है, सब कुछ पढ़ना है। पेज नंबर 74 का सिर्फ रेड एंडिंग का लास्ट बॉक्स, यूज़ योर ब्रेन पावर, यूज़ योर ब्रेन पावर वाला बॉक्स ओमिटेड है। नेक्स्ट पेज नंबर 75 पर फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, ठीक है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओमिट है, बुक्स आर माई फ्रेंड भी ओमिट है, ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्स्ट थ्री बॉक्स है पेज के टॉप पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, उसमें कुछ ओमिट नहीं है, सब पढ़ना है। 75 पेज नंबर 76 भी पूरा पढ़ना है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है, ठीक है, नथिंग इज़ ओमिटेड ऑन पेज नंबर 76। ऑल राइट, पेज नंबर 77 से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायो माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो उस वो पेज पर पेज नंबर 76 चल रहा है, पेज नंबर 77 लास्ट पैराग्राफ ओमिटेड है, पेज नंबर 77 लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। और पेज नंबर 78 का लेट्स थिंक और डू यू नो, पेज नंबर 78 का लास्ट पार्ट जो है लेट्स थिंक और डू यू नो, वो पूरा ओमिटेड है। पेज नंबर 79 पर कुछ भी ओमिट नहीं है, सब कुछ करना है। पेज नंबर 80 पर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, ये कॉलम पूरा ओमिटेड है, ये जो चार्ट है, ठीक है, वो पूरा ओमिटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 81, यूज़ योर ब्रेन पावर सर्च, ये दोनों टॉपिक ओमिट है, यूज़ योर ब्रेन पावर एंड सर्च। पेज नंबर 82, कैन यू टेल, थ्री क्वेश्चंस आर ओमिटेड, 82 का थ्री क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 83, लेट्स थिंक, तीनों क्वेश्चन ओमिट है, लेट्स थिंक में जो तीनों क्वेश्चन है पेज नंबर 83 पर। पेज नंबर 84, कैन यू टेल, वो जो क्वेश्चन है कैन यू टेल वाला, वो ओमिट है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, पेज नंबर 84। पेज नंबर 85, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, इसमें जो ये बॉक्स है वो ओमिट किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड। पेज नंबर 86, सारे क्वेश्चंस है, पेज नंबर 86 पे कुछ भी ओमिट नहीं है, पेज नंबर 87 पे भी कुछ नहीं ओमिट है। पेज नंबर 88 से एथ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसका फर्स्ट वाला कैन यू रिकॉल, दोनों क्वेश्चन ओमिट है, दोनों नहीं चारों क्वेश्चन ओमिट है, और ऑब्जर्व जो दिया है वो भी ओमिट है, ऑब्जर्व करने। फिर नेक्स्ट इज पेज नंबर 89, फर्स्ट टू पैराग्राफ ड्यूरिंग फर्दर, आप इसमें मार्किंग देख सकते हो सेल तक, और फिर स्टेम सेल तो है, उसके बाद वाला क्वेश्चन यूज़ योर ब्रेन, उसके बाद जो यूज़ योर ब्रेन का क्वेश्चन दिया है वो भी ओमिट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 90, लास्ट इंटरनेट इज माय फ्रेंड, पेज नंबर 90 का लास्ट पार्ट इंटरनेट इज माय फ्रेंड। पेज नंबर 91, ऑलवेज रिमेंबर का जो फर्स्ट बॉक्स है, रिकॉल अ लिटिल के जो तीन क्वेश्चन है ये दोनों ओमिट है, ठीक है, पेज नंबर 91, रेस्ट पेज नंबर 91 सब कुछ पढ़ना है। पेज नंबर 92, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये जो ब्लू में आप पैराग्राफ देख सकते हो, ठीक है, ओमिटेड है। नेक्स्ट पेज नंबर 92 पे सिर्फ फर्स्ट बॉक्स ओमिटेड है। पेज नंबर 93, यूज़ ऑफ आईसीटी ओमिट है, येलो बॉक्स। पेज नंबर 94, इसमें डू यू नो का जो येलो बॉक्स है वो ओमिट है। पेज नंबर 95, इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और ये फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, सी द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी एंड नेम द डिजीज दे आर यूज अगेंस्ट एक्सेट्रा। पेज नंबर 96, येलो बॉक्स, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन,
पेज नंबर है 97। कैन सॉरी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन या इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, ये दोनों ओमिट है, ठीक है। पेज नंबर 97, पेज नंबर 98 सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी ओमिट नहीं है। पेज नंबर 99 सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी ओमिट नहीं किया है। पेज नंबर 100 सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 101 पे जो चार्ट दिया है, ठीक है, 101 पे जो ऑब्जर्व एंड डिस्कस के बाद जो चार्ट दिया है वो पूरा ओमिट है, ठीक है। पेज नंबर 102 सब कुछ पढ़ना है। पेज नंबर 103 में जो थिंक है, थिंक वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फिगर, वो ओमिट है। ऑलराइट, और पेज नंबर 103 पे जो कंपेयर है लास्ट, वो भी ओमिट है। पेज नंबर 104 पर रिकॉल अ लिटिल में जो दो क्वेश्चन है, दोनों ओमिट है, सिर्फ दो क्वेश्चन ओमिट है। पेज नंबर 104 के बाद पेज नंबर 105 इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, पूरा ओमिट है, और साइबर क्राइम पूरा ओमिट है। इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड और साइबर क्राइम पूरा ओमिट है 105। पेज नंबर 106 जो डू यू नो वाला बॉक्स है, IT Act 2000, ओमिट है वो बॉक्स, ठीक है। पेज नंबर 107 पे जो येलो बॉक्स है, ऑलवेज रिमेंबर। पेज नंबर 108 कुछ भी ओमिट नहीं है, सब कुछ करना है। पेज नंबर 109 है 10th चैप्टर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट जो कैन यू रिकॉल है वो ओमिट है, कैन यू रिकॉल। और पेज नंबर 110 पर लेट्स डिस्कस स्टार्टिंग वाला, ऑब्जर्व वाला, लेट्स डिस्कस, ठीक है। पेज नंबर 111 पे येलो बॉक्स ओमिट किया है, लेट्स थिंक वाला। पेज नंबर 112 पूरा है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है। पेज नंबर 113 येलो बॉक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, येलो बॉक्स पेज नंबर 113। पेज नंबर 114 कंप्लीट है, कुछ भी ओमिट नहीं है। पेज नंबर 115 पर ट्राई दिस जो है वो ओमिट है, और स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी ओमिट किया है, और उसके बाद जो चार्ट है वो भी रिमूव किया है, और ये गेट इन्फॉर्मेशन, यानी पेज नंबर 115 पर सिर्फ ये येलो बॉक्स है, ऑलवेज रिमेंबर, इसके अलावा पूरा पेज ओमिट किया है, ठीक है। पेज नंबर 116 इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, येलो जो रेडिश येलो रेडिश बॉक्स है, रेडिश ऑरेंज, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हु डज व्हाट, नेक्स्ट पेज नंबर 117 ऑब्जर्व वाला क्वेश्चन ओमिट है, दो ऑब्जर्व में जो क्वेश्चन है, और उस 117 पे जो चार्ट है येलो बॉक्स में, कंप्लीट द चार्ट, वो भी ओमिट किया है। पेज नंबर 118 गेट इन्फॉर्मेशन ओमिट है पूरा, पेज नंबर 118 का गेट इन्फॉर्मेशन ओमिट है, नेक्स्ट। और पेज नंबर 18 पर जो येलो बॉक्स है, इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, ये भी ओमिट है। ऑलवेज रिमेंबर पेज नंबर 119 पर जो ऑलवेज रिमेंबर है, ओमिट है। पेज नंबर 120 कुछ भी ओमिट नहीं है, पूरा करना है। पेज नंबर 120 बाय दिस वाज द लास्ट पेज 120। इसके साथ हमारा 130 पेजेस पूरे हो गए, मतलब साइंस 2 के, और मार्किंग हो गई, ठीक है। आई गेव यू ऑल दी मार्किंग, तो जो जो रिड्यूस किया गया है यानी कैंसिल किया गया है ये साल के लिए, और वो आप मार्क कर सकते हो। कैंसिल किया गया इन सेंस दिया ऐसा है कि वो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ो, दैट मीन्स जिसको पढ़ना है पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में उसमें से नहीं आएगा, तो आपको पढ़ना है तो पढ़ो सेल्फ इंटरेस्ट से, वरना मत पढ़ो। ऑलराइट, अब हो सकता है मार्किंग में कुछ, देखो मैंने नहीं किया ये मार्किंग, दिस मार्किंग आर मेड बाय स्कूल टीचर, ठीक है, एंड शी हैज़ डन इट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो थैंक्स टू हर। लेकिन हम लोग टीचर्स भी इंसान होते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है, ठीक है, हम लोग कोई एंजल तो है नहीं जो हम गलती नहीं करेंगे। तो अगर मेरे से रीडिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो या टीचर से मार्किंग में, आप क्रॉस चेक कर लो कहीं से भी, मतलब इंटरनेट से या PDF से, अगर आपको ऐसा इसमें कुछ मार्किंग में आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो इग्नोर इट, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।